हेलो एवरीवन, दिस इज सिन्हा सर फ्रॉम सिन्हा एजुकेशन। आज हम लोग करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जर्नल, क्लास 11 के सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि असली अकाउंटिंग इसी चैप्टर से शुरू हो रही है। ठीक है, तो आप कंसंट्रेट करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, meaning of journal, it is a primary book of accounts in which business transactions of a business are recorded at first, सबसे पहले, in chronological order, बोलता है journal ये प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स है जिसमें किसी भी बिजनेस के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं। एक टर्म आया एट फर्स्ट, सबसे पहले जिस बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा उसको कहते हैं जर्नल, और फिर वहां एक्सटेंड हुआ टू बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको डाउट बनता है कि सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या, उसको सिंपली ऐसे समझो डेट वाइज ऑर्डर। डेट वाइज ऑर्डर, जिस सीक्वेंस में उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजैक्शंस होते जाएंगे उस सीक्वेंस में डेट वाइज डेट वो बुक्स में रिकॉर्ड होता जाएगा इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। जो फॉर्मेट है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जर्नल में रिकॉर्डिंग कैसे होती है। सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ जर्नल, इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ अ बिजनेस आर रिकॉर्डेड एट फर्स्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट जर्नलाइजिंग। यू मे बी आस्क द डेफिनेशन ऑफ जर्नल, सेकेंड टर्म इज जर्नलाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जिस बुक ऑफ अकाउंट्स में आप बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे उस बुक का नाम है जर्नल, और उस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग जिसके द्वारा आप जर्नल में रिकॉर्ड करोगे। द प्रोसेस बाय विच द बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। अब यहां पे सीखना है, देयर आर टू अप्रोचेस फॉलोड फॉर जर्नलाइजिंग। इस जर्नल में एंट्रीज रिकॉर्ड करने के दो अप्रोच हैं। फर्स्ट वन इज मॉडर्न अप्रोच ऑफ जर्नलाइजिंग एंड सेकंड वन इज ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच एंड अनदर वन ट्रेडिशनल अप्रोच, दोनों पढ़ने हैं आपको। सो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट वन, मॉडर्न अप्रोच ऑफ जर्नलाइजिंग। As per modern approach, accounts are classified in five categories. Accounts are classified as assets, expenses, liabilities, capital and रिवेन्यू। पहले तो ये समझना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द क्लासिफिकेशन एज पर मॉडर्न अप्रोच। तो सारे अकाउंट को इन पांच में डिस्ट्रीब्यूट किया है, पांच में क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब देखते हैं मॉडर्न अप्रोच का क्या कंसेप्ट है। सो एज पर मॉडर्न अप्रोच लेट्स form two groups, LHS group and RHS group. In LHS group, assets and expenses are there, and in RHS
all liabilities, capital and revenue are there. In expenses, losses are already included. ठीक है, expenses में losses included है. अलग से यदि सोचा जाए तो LHS group में assets, expenses और losses, RHS group में liabilities, capital और revenue. ठीक है, यही तो classification था. अब as per modern approach क्या rule आता है, because we know that in journal in prescribed format, you are knowing the format. So in format, which account is to be debited and which account is to be credited, that have to be finalized. This is the important fact that I am going to help you how it has to be decided easily as per this modern approach. Rule 1, it says, if any account of LHS increases, debit that account. First rule आया कि LHS group का कोई भी account increase हो रहा हो, if increasing, what is the order? To debit that account. उस account को debit कर दो. So on that basis, now we can very easily say, if any account of LHS decreases, LHS increase करेगा तो उस account को debit करेंगे. तो अब आप खुद बोलो, यदि LHS decrease करेगा तो क्या करना चाहिए? एकदम सही, LHS decrease करेगा, चूंकि LHS इंक्रीज किया तो डेबिट, तो LHS डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट दैट अकाउंट, बिकॉज इंक्रीज एंड डिक्रीज आर जस्ट अपोजिट इन नेचर. तो LHS इंक्रीज किया, डेबिट दैट अकाउंट, LHS डिक्रीज किया, क्रेडिट दैट अकाउंट, एंड सिंपली वाइस वर्सा. रूल 3, इफ एनी अकाउंट ऑफ LHS के दो रूल हो गए, 1 और 2, RHS के रूल पे चलते हैं. और अब आप बता लोगे इजिली, देखो कैसे, केवल फर्स्ट वाले को ग्रैब करना था, LHS इंक्रीज किया तो उस अकाउंट को डेबिट करना है, तो बताओ RHS इंक्रीज करेगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट. सही तो है, सही तो है. LHS इंक्रीज करेगा डेबिट, तो LHS का RHS जस्ट अपोनेंट है ना, तो जस्ट रिवर्स द जजमेंट, क्रेडिट दैट अकाउंट. और जब RHS का इंक्रीज हो गया, क्रेडिट. रूल 4, इफ एनी अकाउंट ऑफ RHS डिक्रीजेस, तो यहीं से आंसर आ जाएगा, RHS इंक्रीज किया तो उस अकाउंट को क्रेडिट करने बोला, तो RHS डिक्रीज करेगा तो जस्ट अपोजिट, डेबिट दैट अकाउंट. केवल इन 4 रूल से सारे जर्नल एंट्री कवर हो जाएंगे. जो ट्रेडिशनल अप्रोच आपने पढ़ा है वो भी सही है, वो अपनी जगह एकदम सही है, बट इफ दिस सीम्स टू बिकम इजिली अंडरस्टैंडेबल एंड कंफर्टेबल फॉर यू, यू मे अडॉप्ट दिस. सिंपल यहां कह रहा है कि दोनों ग्रुप को केवल आपको समझना है, किस ग्रुप में कौन कंपोनेंट है, एंड इफ एनी अकाउंट, वो तो आपको कमांड है ना कि कोई भी अकाउंट बाय नेचर एसेट्स है या लायबिलिटी रिवेन्यू है या एक्सपेंस, उसमें तो कंफ्यूजन नहीं है. यदि उसमें कंफ्यूजन नहीं है तो ये सचमुच में बहुत ईजी समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इस रूल के हिसाब से हम लोग कुछ ट्रांजेक्शन को जर्नलाइज करने की प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, Yeah.